आद्या, ये बैग क्यों पैक कर रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? जय, मैं और दिया वापस घर जा रहे हैं। वापस कहाँ जा रहे हैं? वापस कहीं नहीं जा रही हो तुम। और वहाँ पे फिर से कोई आ गया तो? जय, तुम मैं रागनी करन, हम सब संभाल लेंगे। तुम टेंशन मत लो। सब संभाल लोगे? तो फिर जाओ ना, अगर तुम्हें अपनी मनमानी करनी है तो फिर जाओ। जय, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? जय, एक बार मेरी जय मैं एक तो मैं विहान को लेकर ऑलरेडी इतना टेंस्ड हूँ, और आध्या ने एक बार भी रीजन नहीं पूछा मुझसे, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। और पैक? जय, डोंट वरी, हम सब है ना आध्या के साथ, हम उसका ध्यान रखेंगे। You take care. चले। Bye, Jay, see you. ये सब कुछ इतना उल्टा पुल्टा हो रहा है आध्या, हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। इसमें तो सब दिक्कत ही दिक्कत है, इन दोनों का मिलना तो लिखा ही नहीं है। जब भी एक दूसरे के करीब आएंगे तो ऐसी घटना हो जाएगी कि एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तुम आ गए, पता मैं कितना मिस कर रही थी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तुम अभी भी कुंडली उंडली के चक्कर में पड़ी हुई हो। मैं तुम्हें कहा था ना, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी और कुछ भी नहीं, इसे भूल जाओ। ये जय, रिलैक्स, मैं कुंडलियों के बारे में सोच भी नहीं रही थी। तो फिर ये क्या कर रही थी? पूजा कर रही थी यहाँ पे इसकी? वो तो बस ऐसी सामने पड़ी है। सच में? I'm sorry आध्या, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, दिमाग खराब हुआ है। कभी कुछ लाइफ में ना सब कुछ अजीब सा ही हो रहा है। अब तुम लुगाई को ही ले लो, वो कितना भी औरत टाइप का है, किलसता है, गुस्सा करता है, झगड़ता है, लेकिन आज तक अभी ऐसे वो गायब नहीं हुआ है। वो अभी भी कहीं गायब नहीं हुआ है, बस थोड़ा गुस्सा आ जाएगा वापस। और वैसे भी तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाता कोई। अच्छा, ऐसा है क्या? हिडन टैलेंट है तुम में, जो लोग तुम्हारे पास आ ही जाते हैं वापस। वैसे तुमने कुछ खाया तो होगा नहीं, बैठो मैं कुछ बना। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम बैठो। अरे डरो मत, इस बार मैं खाना अच्छा ही बनाऊंगी, नमक मिर्च मसाले सब परफेक्ट, पक्का। मैंने कहा ना, अभी नहीं, मेरा कुछ मन नहीं है। अच्छा कुछ नहीं तो भुजिया ले आओ, तुम्हारी कंपनी का भुजिया, टेस्ट की तो फुल गारंटी। अच्छा रुको, बाद में खा लूंगा, अभी नहीं। अभी आध्या, मैं अच्छा, बाबा कहीं नहीं जा रहे, यहीं पर तुम थोड़ी देर सो जाओ। नींद नहीं आ रही है मुझे आध्या, मुझे मुझे सब कुछ अजीब सा लग रहा है। जब से करण और रागी नहीं आया तब से प्रॉब्लम शुरू हो गई। नहीं, एग्जैक्टली, जब से वो इस घर में आया कुछ रोज कुछ ना कुछ स्यापा हो रहा है। आध्या, कुछ तो गड़बड़ है। आध्या, एक बात बताओ कि ये करण और रागिनी, ये तुम्हारे कोई बचपन के फ्रेंड तो है नहीं? तुम्हारे पापा के फ्रेंड के बच्चे हैं ना, तुम तो उनको जानती नहीं हो, तुम कुछ समझती नहीं? नहीं। आध्या, कुछ तो गड़बड़ है, हमें उनके बारे में इन्फो निकालनी पड़ेगी।
उनका पता तो लगाना ही पड़ेगा। कोई कोई आया अध्या वापस? रुको रुको, कोई है वहां पे? क्या रुक? दरवाजा खुला हुआ है मतलब कोई घर के अंदर से भी बाहर आया है। कहीं करण और रागिनी तो नहीं आए थे? जय, इस वक्त चले, इट्स वेरी लेट। कहीं नहीं जा रहा हूं मैं, आज रात यहीं रुकूंगा। उठो। हेलो दी, जय, अरे उठो। हेलो, गुड मॉर्निंग। अरे 8:30 बज गए यार, क्या कर रहे हो? अब जल्दी से उठो वरना मैं पापा को बता दूंगी। चिल, मैं नहीं बताऊंगी पापा को। और ये सुबह सुबह ना ऐसे लुक्स मत दिया करो मुझे। और जय, प्लीज तुम रूपा आंटी को जल्दी से कॉल करो, वो कब से फोन कर रहे हैं तुम्हें। तुम्हें पता है ना उन्हें गेस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। करो जी मैम। जय, वेयर यू? शो का टाइम हो रहा है, ऑफिस पहुंचो जी मैम, फास्ट फास्ट। जी जी, आज एक काम करो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, शो का टाइम हो रहा है। देखिए पहला कॉलर आ भी गए, तो सुनते हैं पहले कॉलर को। हेलो। हाय जय। हाय। आपके फ्रेंड्स बुक्स पेज से आपकी ट्रिप के बारे में पता चला, सो हमारे आइडियल कपल ने कैसे एंजॉय किया इस ट्रिप को? मेरा ट्रिप अच्छा रहा, मैंने बहुत सारी मस्ती की, मौज की, और एक गड़बड़ भी हो गई कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना विहान, वो पता नहीं मुझसे नाराज होके कहां चला गया। पता नहीं कहां इतना गुस्सा हो गया कि पता नहीं कहां चला गया, फोन ही नहीं उठा रहा मेरा। मैंने कितनी बार उसको फोन किया, फोन ऑफ आ रहा है। पता नहीं ऐसा कभी करता नहीं है वो। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत बहुत लड़ाई की है, बहुत झगड़े किए हैं, भर भर के एक दूसरे को गालियां दी हैं। ऐसे कभी मुझे अकेले छोड़ के गया नहीं है वो। कभी मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा फोन नहीं उठाया या उसे बात नहीं कर रहा है। बहुत कुछ बर्दाश्त किया उसने मेरा, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया है, मुझे बचाया है, मुझे पिटने से बचाया, मॉम डैड सब की डांट से बचाया। इसलिए वो सब किया है जो कोई नहीं कर सकता। उसको सिर्फ दोस्त नहीं, उसको गाई बोलता हूं मैं अपनी। पता नहीं एकदम क्या हो गया उसको, अकेला छोड़ के कहां चला गया वो। सुनो लुगाई, अगर तू सुन रहा है तो
चुपचाप से ना जल्दी से घर आ जा, वरना अगर मैंने पकड़ लिया ना तो मैं इतना मारूंगा ना तुझे कि तू तशरीफ में नहीं बैठ पाएगा अपनी। मैं पहले बता रहा हूं, तू जल्दी से घर आ। मैं वेट कर रहा हूं, मैं तेरा, तू जल्दी से आ। सच में बहुत ही खास रिश्ता है जय और रेहान का, तो इस दोस्ती के नाम पर एक प्यारा सा गाना तो बनता ही। जय, बहुत टेंशन हो रही है मुझे फोन नहीं कर रहा है, मुझे फोन बंद आ रहा है उसका, कहाँ है वो, किधर है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जय, इट्स ओके, वो वापस आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो, वो बस थोड़ा सा गुस्सा है। जय जी दादू, वो बिहान दादू मैं अभी आ रहा हूँ, जल्दी जय। तू ठीक तो है ना? तो किसने किया सब कुछ, किसने किया? मुझे नाम बता, डर मत, मुझे नाम बता, मुझे नाम बता, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। करण, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी हिम्मत कैसे लगाई को अंदर आने की? कौन है तू और क्यों कर रहा है सब कुछ? मेरी हिम्मत कैसे शांत कराने की? जिस पहले से बताया, कुछ ना कुछ तो इसका प्लान चल रहा है। आज तो मैं तुम्हें शेरवानी साले पीछे। जय, क्या समझते हो अपने आप को? कुंडे हो तुम यहाँ के, जब मन आएगा जिसको मन आएगा उसको मारोगे? बात सुनो मेरी, करण ने उसको मारा नहीं है, बचाया है। क्या बोल रही है विहान, क्या बोल रही है? आ जाए, करण ने मुझे बचाया। करण ने कुछ नहीं किया, वो एक्चुअली मैं वॉक पे जा रहा था और पता नहीं कैसे मेरा पैर स्लिप हो गया, मैं खाई में गिर गया। पूरी रात बेहोश था और जब होश आया तो मैं जंगल में था। वापस आए तो तुम लोग जा चुके थे। दिल्ली के लिए वापस जा रहा था तब वहीं के कुछ गुंडों ने मुझ पे पैसों के लिए अटैक कर दिया। तो करण ने आके मुझे बचाया, घर लेके आए। मुझे तो यही नहीं समझ में आता है कि तुम सब इतने नेगेटिव, कोई पॉजिटिव पॉइंट क्यों नहीं देखता है? उसे चोट लगी है, तुम्हें तकलीफ हुई है, मैं समझती हूं, लेकिन जय ऐसे हादसे रोज होते हैं, लोग मर जाते हैं, यहां जिंदा बैठा हुआ है वो तो करण टाइम पे आ गया था, वरना चलो करण यहां से, अब यहां एक पल भी नहीं रुकना है। करण, करण, करण प्लीज एक बार मेरी भी बात तो, मैं रियली वेरी सॉरी, मैं करण ब्रो, आई एम रियली सॉरी ब्रो, जो भी कुछ अंदर हुआ। जय, प्रॉब्लम यही है ना तुम्हारी,
इतने एंगर इश्यूज है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है तुम हर बार बोलते रहोगे और हम पागलों की तरह सुनते रहेंगे? स्टॉप इट, चलो। करण, जय की तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। आद्या, मैं सॉरी बोलती हूँ, आई एम सॉरी। गलती हमसे हो गई है जो हम शुभांकर जी के कहने पर यहाँ पर रुक गए थे जब उन्होंने वो रिश्ते की बात की थी। पुरानी बातों को दोहरा के कोई फायदा है क्या? प्लीज स्टॉप इट। आद्या, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, शुभांकर अंकल को प्लीज मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिएगा। शायद जिंदगी में पहली बार मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं और नहीं रुक सकता, मुझे अब जाना होगा। प्लीज शुभांकर अंकल को मेरा सॉरी बोल दीजिएगा। करण प्लीज, आप ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए। लेट्स गो। आज मैंने सीरियसली नहीं सोचा था कि ऐसा। वही तो प्रॉब्लम है जय, ना तुम सोचते हो ना तुम सुनते हो, बस अपनी मनमानी करनी है। अब मैं पापा को क्या जवाब दूंगी कि रागिनी और करण इतनी जल्दी क्यों चले गए? जय, तुम विव्यान संभाल के। कोई बात नहीं, तुम रूम में चलो, मैं लेके जाता हूँ, ठीक है ना? बोलो, चले गए? सच में चले गए? हाँ। तू अपना ध्यान रखना, तू चल। तुम रूम में चलो। आजा, हाथ पैर छुड़वा के आगे चल। ठीक है, आई नो लोग नाराज हैं मुझसे, ठीक है यार, मैं हूं इमोशनल बंदा, मेरे प्यार और दोस्ती पे कोई भी नजर लगाएगा ना तो कंट्रोल नहीं होता मुझसे, उड़ जाता है हाथ मेरा। वही तो दिक्कत है कि हाथों में तो स्प्रिंग लगे हैं, जो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी रिएक्ट कर देना, और उसके बाद जाके रियलाइज होता है कि नहीं, ये तो गलती कर दी मैंने। ये नहीं है कि पहले सामने वाले की बात अच्छे से सुन ली। तुम कह भी रहे थे कि करण ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन नहीं, लोगों के अंदर का तो लड़ाकू इंसान जान जाता है। तुम्हारी भी हाँ तो ठीक है ना, कम से कम कुछ करता तो हूँ। एक सेकेंड, क्या मतलब? तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? एटलीस्ट तुम्हारी तरह गुस्से में आके मैं लोगों को चोट तो नहीं पहुंचाती। हाँ तो मैंने भी किसको हॉस्पिटल पहुंचा दी है? हाँ, किसको पहुंचा दिया मैंने हॉस्पिटल? इतना पानी पीना। क्या हुआ हाथ पे? आखिर ये सब क्यों हो रहा है? हाँ, करण और रागिनी की वजह से मैंने आद्या को चोट पहुंचा दी। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारी लाइफ में कितना खतरनाक तूफान आने वाला है। फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू colorstv.in.com, लाइक अस ऑन facebook.com/colorstv, फॉलो अस ऑन twitter.com/colorstv, फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू colorstv.in.com, लाइक अस ऑन facebook.com/colorstv, फॉलो अस ऑन twitter.com/colorstv।